हेलो स्टूडेंट्स, तो इस साल का नीट का पेपर हो चुका है। 13 सितंबर को जो टेस्ट हुआ था उसका हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस में जो कलर कोड पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया, द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवेन बिलो, है ना। यहाँ पर कलर कोड दिया गया है, तो देखेंगे ये जो येलो लिखा है ये अपना रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट होता है, जो दूसरा वाला कलर है वो सेकेंड डिजिट होता है, जो तीसरा वाला है ये जो है यहाँ पर होता है मल्टीप्लायर, है ना। और जो चौथा वाला होता है ये बताता है टॉलरेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में या कहीं भी आप देखेंगे दिया रहता है कि किस कलर के लिए जो फर्स्ट डिजिट की वैल्यू क्या होती है, सेकंड डिजिट की वैल्यू क्या होती है, या मल्टीप्लायर क्या होता है, ये सारी चीज़ें दी रहती है। तो मैंने वो भी यहाँ पर नीचे जो है उसका एक डायग्राम पेस्ट किया हुआ है, इसको आप देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसमें फर्स्ट डिजिट ये है, फिर सेकेंड डिजिट है, फिर मल्टीप्लायर आता है, फिर टॉलरेंस आता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में पहला कलर दिया गया है येलो। ठीक है, पहला कलर है येलो कलर। तो येलो कलर के लिए जो फर्स्ट डिजिट होगा वो कितना होगा, यहाँ पर हम लोग टेबल में देखते हैं। देखेंगे ये जो टेबल दिया गया है येलो कलर के सामने, ये लिखा गया है 4, यानी जो रेजिस्टेंस का जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे उसमें पहला डिजिट होगा 4। उसके बाद जो दूसरा कलर दिया गया है, दूसरा कलर देखेंगे ये दिया गया है वायलेट, है ना, जो कि सेकेंड डिजिट का वैल्यू यहाँ से हमें पता चलेगा। तो सेकेंड डिजिट देखेंगे टेबल में, देखेंगे यहाँ पर जो वायलेट है इसके सामने एक नंबर दिया गया है 7, यानी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा उसका सेकेंड डिजिट जो है उसका सेकेंड डिजिट हो जाएगा 7। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखना है तीसरा डिजिट, जो कि मल्टीप्लायर की वैल्यू बताता है ना। तो मल्टीप्लायर के लिए कलर दिया गया है कितना, ये ब्राउन। तो ब्राउन का देखते हैं, ब्राउन आप देखेंगे यहाँ पर, तो ब्राउन का मल्टीप्लायर दिया गया है 10^1। ये ब्राउन है, इसके सामने मल्टीप्लायर है, तो ये हो जाएगा 10^1। और उसके बाद आता है चौथा कलर जो कि टॉलरेंस बताता है। तो टॉलरेंस के लिए जो कलर दिया गया है आप ऊपर देखेंगे क्वेश्चन में, ये दिया गया है गोल्ड। तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होता है वो होता है यहाँ पर देखेंगे टेबल में 5%। ये देखें यहाँ पर ये गोल्ड है ना। गोल्ड के सामने जो टॉलरेंस दिया गया है वो 5% दिया हुआ है। तो यहाँ पर मतलब कि जो एरर हो सकता है वो ±5% हो सकता है। 5% ज़्यादा भी वैल्यू इसमें हो दिया हो सकता है, 5% कम भी हो सकता है इस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए 47 × 10^1 ±5%, है ना। तो ऑप्शंस देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखेंगे कि ये 47 × 10 ये हो जाएगा 470। ये पहला ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, 470 ओम रेजिस्टेंस होगा, जिसमें कि 5% का एरर हो सकता है, यानी कि जो एक्चुअल रेजिस्टेंस के वैल्यू होगा वो 470 से 5% ज़्यादा भी हो सकता है या 5% कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है।